अरिथमेटिक मीन का इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है काफी, मिसिंग वैल्यू, दिमाग लगे और इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं, क्योंकि छोटे क्वेश्चंस होते हैं, बट इन क्वेश्चंस को करने के लिए कॉन्सेप्ट वही यूज होंगे जो हम सुन चुके हैं। तो ध्यान से देखना, कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग वैल्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिविजुअल सीरीज की किस टाइप के क्वेश्चन में मिसिंग वैल्यू आई है, इंडिविजुअल है, डिस्क्रीट है, कंटिन्यूअस है? इंडिविजुअल सीरीज सबसे आसान है इसको सॉल्व करना। इफ द वैल्यू ऑफ वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज मिसिंग बट द मीन इज गिवन, देन इट इज पॉसिबल टू कैलकुलेट द मिसिंग वैल्यू बाय यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। कह रहे मीन गिवन है, कोई भी एक वैल्यू मिसिंग है, कोई भी एक वैल्यू मिसिंग है तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गिवन होंगी ऑब्वियसली, कि अगर एक वैल्यू मिसिंग है तो जितनी गिवन है वो प्लस एक और उतनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। कि 10 स्टूडेंट से 9 के मार्क्स गिवन है, एक मीन गिवन है, तो एक बच्चे के मार्क्स गिवन नहीं है, तो मीन है 9 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, एक स्टूडेंट के मार्क्स कैलकुलेट करने हैं तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल करके दिखाता हूं, बहुत ही सिंपल है। मीन ऑफ अ सीरीज ऑफ 5 आइटम्स, तो एन 5 हो गया, मीन 25 हो गया। अब 4 वैल्यूज गिवन है, 10, 25, 30, 40, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 5th आइटम। कह रहे मीन क्या होता है, मीन होता है 10 प्लस 25 प्लस 35 प्लस 40, लेट द 5th आइटम बी एक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और मीन हमें गिवन है 25। तो 35, 35, 35, 70, 70, 40, 100, 20 110 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 25, 110 प्लस एक्स इज इक्वल टू 125। जगह बनाते हैं तो एक्स इज इक्वल टू 50। इजी। इंडिविजुअल सीरीज में मिसिंग वैल्यू कैसे निकालेंगे, किसी को कोई भी डाउट? नो सर, ओके। अब नो सर, अगर डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस है तो क्या, तो दिमाग थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, मतलब दिमाग क्या, छोटी सी कैलकुलेशन ऐड हो जाएगी क्योंकि अब फ्रीक्वेंसी भी है। इंडिविजुअल सीरीज तो बहुत ही ज्यादा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड था उसमें, मतलब मैं कह रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स क्या कुछ पढ़ाई क्या, किसी से वैसे ही पूछते कि अच्छा 10 लोग थे, 9 की वैल्यूज ये है, एवरेज ये आ रही है, तो बिना किसी फॉर्मूले के कॉमन सेंस से भी कैलकुलेट हो सकता है। डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस में आपकी पढ़ाई काम आएगी थोड़ी सी। व्हेन वन ऑफ द आइटम और फ्रीक्वेंसी इज मिसिंग, अब यहां तो आइटम मिसिंग था या फ्रीक्वेंसी मिसिंग थी, देन इट इज पॉसिबल टू फाइंड आउट द मिसिंग आइटम और द मिसिंग फ्रीक्वेंसी विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सा मेथड यूज करना चाहिए मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, डायरेक्ट मेथड सबसे ज्यादा सुटेबल होता है। स्टेप्स टू डिटरमिन द मिसिंग वैल्यू, कह रहे आप मीन का फॉर्मूला अप्लाई करो। मीन का फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ डायरेक्ट मेथड इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज, और इन केस ऑफ कंटिन्यूस सीरीज सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ध्यान रखना कि सिर्फ और सिर्फ आप डायरेक्ट मेथड यूज करके ही कैलकुलेट कर सकते हैं मिसिंग वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन करके ही आपको दिखा देता हूं मैं स्टेप्स क्या हैं। इफ द आइटम इज मिसिंग देन अज्यूम द मिसिंग आइटम इज एक्स, इफ फ्रीक्वेंसी इज गिवन देन डिनोटेड बाय एफ। तो डिनोट कैसे करना है वो बता रहा है, कैलकुलेशन समझेंगे, ध्यान से देखना। मैं आपको एक डिस्क्रीट का भी करके दिखा देता हूं और एक कंटिन्यूस का भी करके दिखा देता हूं, मजेदार है, इंपॉर्टेंट है। फाइंड द मिसिंग आइटम इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज 50, मीन गिवन है 50, क्या है ये शाश्वता, डिस्क्रीट सीरीज या कंटिन्यूस सीरीज? डिस्क्रीट डिस्क्रीट। तो कौन सा फॉर्मूला लेंगे, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, तो आप वैल्यूज पुट करें, पहले टेबल बनाएं, मार्क्स
30, 35, 40 क्वेश्चन मार्क 50 और 75 फ्रीक्वेंसी कितनी है फ्रीक्वेंसी 1 2 3 4 1 2 3 4 6 4 अब ये जो क्वेश्चन मार्क है ये क्या है वेरिएबल या फ्रीक्वेंसी इन द सेंस की जो मिसिंग वैल्यू है वो वेरिएबल अंडर स्टडी है या फ्रीक्वेंसी वेरिएबल तो बस इतनी छोटी सी बात का ध्यान रखना कि अगर वेरिएबल अंडर स्टडी मिसिंग है तो उसको एक्स ले लेना फ्रीक्वेंसी मिसिंग है तो उसको एफ ले लेना अब ध्यान से देखना क्या निकालेंगे हम एफ एक्स 30 × 1 30 35 × 2 70 40 × 3 120 4 x 300 300 सिग्मा एफ एक्स हंड्रेड 220 6 820 820 plus 4x वेरीफाई करेंगे 100 220 520 820 सिग्मा एफ एक्स 820 plus 4x कोई डाउट नो सर अब फॉर्मूला क्या है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ कितना है 3 3 6 4 10 10 10 20 अब ध्यान से देखना कैसे कैलकुलेट करेंगे मिसिंग फ्रीक्वेंसी और मिसिंग वैल्यू मीन इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ वैल्यूज पुट कर दो मीन कितना है 50 सिग्मा एफ एक्स कितना आया 820 प्लस 4x और सिग्मा एफ कितना था 20 तो 20 × 50 1000 इज इक्वल टू 820 प्लस 4x तो 4x इज इक्वल टू 1000 माइनस 820 180 x इज इक्वल टू 180 divided by 4 4 4 is 16 कोई भी डाउट समझ आया क्या हुआ इजी समझ आ रहा है क्या हो रहा है शौर्य किसी को कोई भी डाउट डिस्क्रीट सीरीज में मिसिंग वैल्यू कैसे निकाली सर मुझे बस एक डाउट है ये 50 कहां से आया ये गिवन था बेटा मीन 50 गिवन था ओके सर मीन गिवन होगा तो ही आप निकाल सकते हो एक मिसिंग वैल्यू निकाल सकते हो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते सिर्फ एक मिसिंग वैल्यू निकाल सकते हैं दो मिसिंग होती तो आप मीन में नहीं निकाल सकते ओके यस सर चलो एक और कर देता हूं ठीक है ना कि कॉन्सेप्ट पे ताला ही लग जाए कि इंडिविजुअल सीरीज भी मिसिंग वैल्यू हो गया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है छोटे क्वेश्चंस में आता है ना ये तो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल 50 to 60 इज नॉट नोन फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है अरिथमेटिक मीन कितना है 52 चलो कलर चेंज कर देते हैं कुछ तो अलग लगे वरना क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम है ध्यान से देखना क्लास इंटरवल 10 to 20 20 to 30 30 to 40 40 to 50 50 to 60 60 to 70, 70 to 80 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी 5 3 4 7 एफ ले लो उसको 6 30 क्लास इंटरवल्स हैं तो मिड पॉइंट्स लेंगे मिड पॉइंट 15 25 35 45 55 65
75. अब डिस्क्रीट सीरीज ही तो हो गई, अब डिस्क्रीट सीरीज हो गई, तो वहां पे एफ एक्स निकालते थे, यहाँ पे क्या निकालेंगे एफ एम. 15 5 75 25 into 3 75 4 3 12 140 7 4 28. कुछ गलती कर दी, 4 3 अच्छा वो 5, हाँ वो मैंने मन में तो सोच लिया था कि 4 5 20 भी है, 7 4 28 7 5 35 315 55 f 66 36 75 into 10 750 750 or 225 975 verify karenge 750 225 975. टोटलिंग चेक कर लेना बस एक बार ही, 70 150 250 290 290 315 290 290 590 600 605 हो चुके हैं, 395 97 16 93 12 13 0 7 9 1 9 7 0 plus 55F, please verify. कर रहा है कोई चेक या मैं ही दोबारा चेक कर लूं? सर सही है. आप तो कुछ और कह रहे हो, ठीक है ना, ठीक है. चलो FM आ गया, बट अभी हमारे पास क्या है, 55F है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिसिंग है. तो अब क्या करें, अब वैल्यू पुट कर लेंगे. तो मीन क्या होता है, सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ. मीन कितना है, 52. 52 इज इक्वल टू सिग्मा एफ एम. ये सिग्मा एफ एम था और ये सिग्मा एफ. 8 4 12 7 19 19 6 25 28 38 plus F. FM क्या है, 1 9 7 0 plus 55 F sigma F. 38 plus F. देखने में complicated है, complicated है. फिर 52 into 38 plus F is equal to 1 9 7 0 plus 55 F. 52 into 38 8 2 16 5 8 40 3 2 6 5 3 15 6 7 9. So 1 9 7 6 plus 52 F is equal to 1 9 7 0 plus 55 F. So 1 9 7 6 minus 1 9 7 0 is equal to 55 F. Minus 52F. 6 is equal to 3F. F is equal to 2. कोई भी डाउट? मिसिंग वैल्यू निकालना मुश्किल है? नो. इसमें इससे ज्यादा वेरिएंट्स नहीं हो सकते. इंडिविजुअल सीरीज भी करा, डिस्क्रीट सीरीज भी करा, कंटिन्यूअस सीरीज भी करा, मिसिंग वैल्यू ऐसे ही निकलेगी.